आज का टिफिन है हलवा, क्या बोलती है, उपमा। रुचिवा की देखो टी सकाल तो भल लगती थे। अभी टाइम हो गया है लगभग 11 o'clock ना, 11:30 11 o'clock। कुकिंग वगैरह हो गया है ना, आज हमारे लिए मछली का करी आएगा। कहाँ से आएगा वो बताती हूँ मैं आप लोग को। पापा लोग ना आज एक पार्टी मना रहे हैं, तो हम लोग के लिए लेकर आएंगे थोड़ा बहुत। तो रीशु खाएगा, मैं खाऊंगी। देखिए ये एरिया देखिए कितना गंदा हो गया है, दिखा दो अच्छे से। इसको थोड़ा झाड़ू मार दूंगी, अच्छा नहीं लगता ना सारे। और क्योंकि ना रीशु यहाँ पर खेलता है तो थोड़ा साफ सुथरा रहना जरूरी। सहजादा है हमारा ना, ए उठ बस रहे ना, मेरा बहुत है छोटा। हे फैमिली, इसका खाना हो गया है तो मैं जाती हूँ अभी झाड़ू मारने। झाड़ू मारने से पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ा पानी छिटक दूँगी क्योंकि बहुत हम उसका जो डस्ट है ना बहुत होता है। तो पानी देने के बाद अगर झाड़ू मारो तो अच्छा होता है। मैं क्यों ये करने का मेरा और एक भी रीज़न है कि मैं हेयर वॉश की हूँ कल। आज अगर ये झाड़ू मारूँगी ना सारे डस्ट मेरे हेयर में लग जाएंगी। इसी वजह से हम ये ना 2-3 दिन में एक बार ही झाड़ू मारते हैं, डेली नहीं मारते क्योंकि बहुत ही काम होता है गाइस। क्या बताऊँ इतना काम, सब लोग के घर में काम होता है लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा मुझे होता है काम। रिशु के साथ तो मैं खेलती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ, मैं भी खुद भी पढ़ती हूँ क्योंकि अभी ना मेरा एक एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया है लेकिन मुझे नहीं पता था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, कल ही पता चला। बाद में होगा, कब होगा पता नहीं। इस बारे में भी सोच के बहुत टेंशन लग रहा है गाइस, क्या बताऊँ। क्योंकि नेक्स्ट वीक ना हम लोग घर जा रहे हैं, उसके बाद ना शादी में बिजी हो जाएंगे। उस टाइम भगवान करे कि एग्ज़ाम ना हो, अगर एग्ज़ाम हो गया ना तो कैसे मैनेज होगा पता नहीं। क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, खुद के डिस्ट्रिक्ट में नहीं एग्ज़ाम होने वाला, सेंटर नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम होगा। इस वजह से मेरा हालत ख़राब है अभी, क्या बताऊँ आप लोगों को। कैसे क्या करे, कब एग्ज़ाम देने आए, कब एग्ज़ाम हो, ये सब सोच सोच के ना बुरा हाल है बिल्कुल ही मेरा। और भी ये बताने, मैं पहली बार आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना मेरा जो है एग्ज़ाम, ये सब जो भी पढ़ाई वगैरह है, ये बताने का भी और एक रीज़न है। मैं वीडियो बहुत अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ अभी, टाइम बिल्कुल ही नहीं निकाल पा रही। जो थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है ना, मैं कुकिंग वगैरह करने के बाद पढ़ाई में लग जाती हूँ। रिशु के साथ भी खेलती हूँ थोड़ा थोड़ा, ये दिख के अभी भी खेल रही हूँ, ऐसा हमेशा ही लग रहता है मेरे साथ। क्योंकि ना रिशु क्या करता है, जब भी मैं थोड़ा पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ ना, ये बोलता है कि माँ मेरे साथ खेलो। माँ जाते हैं स्कूल 10 to 4 o'clock, 4:30 हो जाता है, उस बीच में मैं कुकिंग भी करती हूँ, रिशु के साथ खेलती भी हूँ, थोड़ा पढ़ाई भी करती हूँ और सोती भी हूँ, सुलाती भी हूँ रिशु को। टाइम बहुत मुझे कम पड़ता है, 24 hours भी कम पड़ रहा है मुझे अभी तो। रात में कौन मेरे से रात में जगा नहीं जाता है, मैक्सिमम 1 o'clock तक मैं जाग पाती हूँ, उसके बाद ना मुझे नींद आने लगता है। तो रात में 1 o'clock के अंदर जितना हो सके थोड़ा बहुत पढ़ाती पढ़ाई करती हूँ।
क्या होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा होता है। कुछ लोग ना बोलते हैं कि देखो ये एग्ज़ाम दे रही थी लेकिन नहीं मिला उसको। ऐसा जो चीज़ होता है ना लाइफ में, ये बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा लगता है। अब मैं थोड़ा सेंसिटिव टाइप हूँ, छोटा मोटा जो बात हो जाते ना मुझे रोना आता है, मैं रो लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं ना मेरे स्टडी बारे में आप लोग के साथ बात नहीं कर रही थी, लेकिन क्या करूँ, अब टाइम मैनेज करना, वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मेरा वीडियो पहले 2 दिन में आता था, अब 3 दिन हो गया, 3 दिन में एक एक आ रहा है। ऐसा मुझे सब मैनेज करके करना पड़ता है। वीडियो भी बनाना जरूरी है, ये भी मेरा एक पार्ट टाइम जॉब टाइप है, तो इसको भी मैं छोड़ नहीं सकती। लोग बोलते हैं ना, जो बोलते हैं वो उनका खुद का मर्जी है, लेकिन ये सब ना यूट्यूब चैनल ये सब ये मेरा खुद का पसंद है। मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए हमेशा खड़े होते हैं। इस बात का ना मुझे बहुत गुरूर है कि हाँ कोई तो है जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं। तो चलिए फिर, बहुत हो गया मेरा सब स्टोरी वगैरह। आप लोग पहली बार मेरे मुंह से सब सुन रही है ना, तो कोई बात नहीं। देखते, स्ट्रगल तो ज़िंदगी का एक पार्ट होता है, हम लोग को स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। बिना स्ट्रगल में दाना, एक दाना भी नहीं मिलता चींटी को। तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग के जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। अगर हाँ भाग्य में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हम प्रयास करना छोड़ दें ये तो गलत बात है। इसलिए ना मैं कोई भी जो भी करती हूँ ना दिल से करती हूँ, जितना हो सके। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, इतना मैं अच्छे से पढ़ाई मीन्स पढ़ती हूँ सारे क्लास में, ऐसे नहीं कि फेल हुई हूँ, पास करते आई हूँ। अभी मैं रिसेंटली CTT दी थी, वो भी पास की। उसके बाद मैं OSSTT OSTAT वो भी पास की हूँ। अभी OTT देना बाकी है। और एक पहली बार ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था हमारे घर में, माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, एडमिट थी हॉस्पिटल में, पढ़ाई वगैरह बहुत डिस्टर्ब रहता बहुत दिनों से। तो मैं अच्छे से नहीं दी थी एग्ज़ाम, ये मैं इस बार दूंगी OTT। बाकी सब कुछ क्लियर है मेरा। एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी मैं जितना पढ़ती हूँ ना, एक्चुअली मुझे याद नहीं आता, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे याद करना में प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं समझती सब कुछ हूँ, समझ जाती हूँ। जितना समझ ही करती हूँ ना, उस टाइप ही मुझे मार्क मिलता है, और घुस के रट के मैं नहीं करती हूँ कभी भी। तो देखते हैं भगवान मेरे लिए क्या आगे किए सोचे हैं भगवान। ये सब तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि क्या होगा मेरे साथ। हाँ, और एक बात आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, आज सब कुछ शेयर कर रही हूँ। तो और एक बात, आप लोग ना मेरा जो प्रीवियस वीडियो है ना, 1 साल जो हो गया है ऑलरेडी वीडियो को, 1 साल एबब वाला वीडियो वो देख लेना एक बार, और अभी का वीडियो देख लेना कितना डिफरेंस है मेरा हिंदी बोलने में, हिंदी कितना सुधर गया है मेरा। मैं नहीं कहती कि मैं परफेक्ट बोल रही हूँ, लेकिन ना मैं ख़राब भी नहीं बोल रही हूँ। पहले कितना डर रही थी कैमरे के सामने आने में, बात करने में, लेकिन अब कितना फ्रिक्वेंटली मैं बोल रही हूँ। ये होता है चेंजेस, हम कर कर के सीखते हैं, बिना करे तो कोई कुछ भी नहीं कर पाता। तो इतना ही आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, मेरा दिल खोल कर आज रखती हूँ। और एक दिन अच्छे से बताऊँ कि क्या क्या है मेरे ज़िंदगी में स्ट्रगल, कैसे मैं कर रही हूँ सब कुछ मैनेज। और एक सेपरेट वीडियो में आप लोग के साथ मैं वो शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नाचते ऊपर है, नाचते डुंगी डां डुंगी डां डुंगी डां डुंगी डां।